नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के यात्रियों को मिली स्पेशल ट्रेनों की सौगात। उपेंद्र कुशवाहा को मिला नीतीश कुमार से रिटर्न गिफ्ट। ईशान किशन ने दिखाया अपना जलवा। बिहार पुलिस लिखित परीक्षा में नकल करते पकड़ाए अभ्यर्थी। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने निकाली रिक्तियां। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने डेली रेटेड वर्कर के पदों के लिए 14 रिक्त पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का 8वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट thc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। होली के मद्देनजर बिहार में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। होली त्योहार के मौके पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसके तहत मोकामा से जसीडीह के बीच और किउल जंक्शन से जसीडीह के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके अलावा आरा से सासाराम के बीच भी आज से 2 जोड़ी डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं गोमो से आसनसोल और आसनसोल से बड़काकनाना के अलावा आसनसोल से गया जंक्शन और आसनसोल से वाराणसी जंक्शन के बीच 6 जोड़ी ट्रेनें 14 मार्च से ही चलानी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि आसनसोल से कोडरमा, गया, डेहरी और सासाराम होते हुए वाराणसी जाने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन 80 से भी अधिक स्टेशनों पर रुकेंगी। इससे होली के मौके पर छोटे छोटे शहरों से आने जाने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। बिहार पुलिस लिखित परीक्षा में नकल करते धराए 55 अभ्यर्थी। बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों के लिए रविवार को हुई लिखित परीक्षा में 8 जिलों में अलग अलग केंद्रों से 61 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पाया गया। इनमें से 55 अभ्यर्थियों को नकल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद के मुताबिक शेखपुरा में 18, सिवान में 1, गोपालगंज में 4, अरवल में 2, औरंगाबाद में 5, पटना में 26, भोजपुर में 1 और नवादा में 4 अभ्यर्थियों द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस और चीट के जरिए परीक्षा में नकल करने का मामला सामने आया है। इनमें से 55 को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 6 परीक्षार्थी फरार हो गए हैं। वहीं पर्षद सिपाही भर्ती का दावा है कि राज्य भर में बनाए गए 611 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुई। आपको बता दें कि बिहार पुलिस लिखित परीक्षा अब 21 मार्च को होगी। बिहार आने वाले यात्री की होगी रैंडम कोरोना जांच। होली में बिहार आने वाले यात्री ध्यान दें, अगर आप भी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और केरल जैसे कोरोना प्रभावित राज्यों से वापस अपने राज्य बिहार आने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। दरअसल बिहार स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार ऐसे यात्रियों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर रैंडम कोरोना जांच की जाएगी। इस संबंध में पटना सिविल सर्जन ने रेलवे के सीनियर डीसीएम से उन्होंने स्वयं बात कर पर्याप्त सहयोग देने की बात कही है। रेलवे स्टेशन पर होने वाली जांच में आरपीएफ मदद करेगी। इसके तहत जिस राज्य से आने वाले यात्रियों में ज्यादा पॉजिटिव पाए जाएंगे उन ट्रेनों की निगरानी और भी कड़ी की जाएगी। इसके लिए चेकिंग अभी से ही शुरू है। वहीं आने वाले दिनों में स्क्रीनिंग को और भी तेज करने की तैयारी चल रही है। जदयू में रालोसपा के विलय के बाद लोजपा ने कसा तंज। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रालोसपा ने एक तरफ जदयू में विलय कर लिया है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के अलावा बिहार में कभी एनडीए की घटक दल रही लोक जनशक्ति पार्टी भी उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार तंज कस रही है। इस दौरान लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने उपेंद्र कुशवाहा को आगाह करते हुए कहा कि वे अब धोखा पार्ट 3 के लिए तैयार रहे। उन्होंने इस विलय पर आरोप लगाते हुए कहा कि जदयू ने उनको ठिकाने लगाने की योजना बना ली है। पूर्व में भी उपेंद्र कुशवाहा ने धोखा और अपमान की वजह से 2 बार जदयू से अपना रास्ता अलग कर लिया था। वहीं लोजपा नेता ने उम्मीद भी जताई है कि कुशवाहा जदयू में रहकर शिक्षा में सुधार की आवाज को बुलंद करेंगे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने डेहरी को टेक्सटाइल हब बनाने की कही बात। डेहरी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में सुअरा हवाई अड्डा में टेक्सटाइल आधारित उद्योग लगाने और डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने के लिए केंद्र से पहल करने की मांग उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से की थी, जिसके बाद ही उद्योग मंत्री ने भी जल्द ही डेहरी, डालमिया नगर का दौरा करने और टेक्सटाइल उद्योग की प्रगति की समीक्षा करने और उद्योग लगाने का भरोसा दिया है। तेजस्वी के विधानसभा में बंद पड़े चीनी मिल के सवाल का गन्ना मंत्री ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंद पड़े चीनी मिल को लेकर सवाल उठाया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर सकरी चीनी मिल से संबंधित सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार नोटिस भेज रही है और 20 करोड़ का स्क्रैप बेच लिया गया है। सदन में तेजस्वी ने यह भी पूछा कि जमीन मालिक भूमि को क्यों बेच रहे हैं, जिसके जवाब में गन्ना उद्योग मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि 3 इकाइयों का मामला न्यायालय में है, बाकी का इसी माह की 5 तारीख को एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में केस लंबित होने की वजह से देरी हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपना बयान जारी किया, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इस मामले की जांच करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने
सख्त लहजे में बड़गड़ाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की बात भी कही। शराबबंदी को लेकर विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक। बिहार में शराबबंदी कानून के मद्देनजर आए दिन सरकार के मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच इसे लेकर आज बिहार विधानसभा में सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी, मगर ये बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कर रहे थे। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है, सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर सदन में बहस कराना ही नहीं चाहती है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस दौरान अपने सवाल का जवाब नहीं होने का हवाला दिया। राज्य में उठी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग। बिहार में रोजगार के मुद्दे के बाद अब स्थानीय आरक्षण यानी कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। आपको बताते चले कि लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार मिले, इसे लेकर कई राज्यों ने डोमिसाइल नीति बनाई है। राजस्थान, झारखंड और हरियाणा में डोमिसाइल नीति को लागू भी कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार में भी इसे लागू करने की वकालत तेज होने लगी है। इसे लेकर विपक्षी पार्टी आरजेडी और सत्ता पक्ष की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पर बिहार बीजेपी और जदयू नेताओं का कहना है कि यह मुद्दा बड़ा है, डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे तो राज्य के लोगों को भी बाहर नौकरी पाने में दिक्कत होगी, लिहाजा यह गंभीर विषय है और डिबेट के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। जदयू में शामिल होते ही कुशवाहा को मिला रिटर्न गिफ्ट। काफी अटकलों और गहमा गहमी के बाद आखिरकार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जदयू में बीते दिन रविवार को हो ही गया। उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार और जदयू के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पूरी पार्टी के साथ जदयू में शामिल हो गए, तो वहीं इस मौके पर लगे हाथ सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। वहीं विलय पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिना कोई शर्त हमने नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की सेवा करने का फैसला किया है। जो लोग भी मेरे साथ थे अब जदयू के हो गए हैं। अपने जीवन का शेष समय अब जनता की सेवा नीतीश कुमार के नेतृत्व में करूंगा। आपको बता दें कि इस विलय के साथ ही 2013 में बनी पार्टी रालोसपा का वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। शराब का अवैध धंधा दिखे तो करे फोन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं। वहीं इस क्रम में रविवार को सीएम ने कहा कि राज्य में कहीं भी अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों और शराब पीने वालों की जानकारी मिले तो लोग विभाग के नंबर पर कॉल करें। एक फोन पर शिकायत मिलने के बाद डेढ़ घंटे के भीतर ही कार्रवाई की जाएगी और शिकायत करने वालों की पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में शराब के अवैध धंधेबाजों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और वे पकड़े भी जा रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सामाजिक सद्भाव के मामलों में सचेत रहती है। इस दौरान कहीं कोई गड़बड़ होती है तो सूचना जरूर मिलनी चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। तेजस्वी के बयान पर सदन में मचा हंगामा। बिहार विधानसभा में आज सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर बवाल हो गया। दरअसल सदन में प्रश्नकाल के दौरान गन्ना विभाग से संबंधित सवाल का जवाब हो रहा था, जिसमें तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब भी मंत्री ने दिया, जिसके बाद तेजस्वी ने जवाब से असंतुष्ट होकर भरे सदन में मंत्री को बोल दिया कि इन लोग को किसने मंत्री बना दिया जिसे जवाब देना नहीं आता है। तेजस्वी के इस बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सदन में जलील करने की गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार और मंत्रियों के बारे में गलत बोल रहे हैं और आसन से एक पक्ष को संरक्षण मिल रहा है जो कि सर गलत है। T20 के अपने पहले मैच में पटना के ईशान किशन ने दिखाया जलवा। टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने वाले पटना के ईशान किशन ने अपने पहले ही मैच में अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दे दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में ओपनिंग करते हुए ईशान ने शानदार 56 रन बनाए और अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने में कामयाब रहे। मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने भी सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। ईशान ने अपने अर्धशतकीय पारी में भारत के लिए ओपनिंग करते हुए 32 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए। पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में ही जानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ईशान को मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। वहीं कोहली के साथ मैदान में देर तक टिकते हुए 55 बॉल में 94 रन की पारी खेलने के लिए भी उन्हें नवाजा गया। इस उपलब्धि पर उनके परिवार सहित बिहार के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। अक्षय कुमार के फिसलने का वीडियो हुआ वायरल। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ मालदीव में वैकेशन एंजॉय करने के लिए आए हैं। इस दौरान दोनों सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को अपडेट्स दे रहे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह एक मछली पर बैठकर स्लाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अक्षय कुमार फिसलते हुए खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को ट्विंकल खन्ना ने शूट करते हुए लिखा कि वह हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वही वीडियो शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा कि छुट्टी एंजॉय करने का आखिरी दिन है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे यह करने के लिए किसने कहा होगा? मैं उसके फेवरेट फिश पर बैठकर स्लाइड कर रहा हूं जिससे वह हंस सके। तो चलिए बढ़ते हैं
आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार ट्रेन से यात्रा करने के वक्त कोरोना के खतरे से बचने के लिए किस किस तरह से अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।